रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण कॉफी विद करण में आने के बाद लगातार दीपिका की टिप्पणियों की वजह से ट्रोल हो रहे थे। वहीं रणवीर सिंह ने हाल ही में इंस्टाग्राम से अपनी शादी की सारी फोटोज डिलीट कर दी। रणवीर के ऐसा करने पर फैंस बहुत ज़्यादा हैरान हो गए, क्योंकि जल्द ही दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं और रणवीर ने कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं किया कि उनकी शादी में कोई दिक्कत आ गई हो। लेकिन इन सभी अटकलों के बीच रणवीर सिंह ने अब एक हाल ही में हुए इवेंट में सब कुछ साफ कर दिया। रणवीर सिंह से इवेंट में सवाल किया गया कि उनकी सबसे फेवरेट ज्वेलरी कौन सी है, तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि उनकी वेडिंग रिंग जो दीपिका ने उन्हें दी थी वो उनकी फेवरेट है। इसके अलावा जो प्लेटिनम रिंग जो उन्हें सगाई में पहनाई गई थी। रणवीर ने ये भी बताया कि उनकी माँ के डायमंड ईयरिंग और दादी के मोती भी उनके बहुत ज़्यादा करीब है। बस रणवीर की इसी बात से सब साफ हो गया और फैंस खुश हो गए कि चलो सब ठीक है। अभी कुछ समय पहले दोनों वेकेशन पर भी गए थे, इस दौरान दोनों की वो फुटेज भी जमकर वायरल हुई जिसमें बेबी बम्प भी देखा जा रहा था। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों ने बेबी मून खूब इंजॉय किया। जहां रणवीर और दीपिका ने 2018 में शादी की थी, तो अब वहीं दोनों 6 साल बाद 2024 में पेरेंट्स बनने वाले हैं। दोनों ने ही साथ में सोशल मीडिया पर प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट की थी। वहीं दोनों की अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो रणवीर और दीपिका अब फिल्म सिंगम अगेन में नजर आएंगे, जिसमें रणवीर और दीपिका दोनों ही पुलिस वाले बनेंगे। इन दोनों के अलावा फिल्म में अजय देवगन, अक्षय कुमार, करीना कपूर, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर भी होंगे। तो वही फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी की है। इस फिल्म के अलावा दीपिका कलिक 2898 ईडी में भी नजर आने वाली है। इसमें प्रभास और अमिताभ बच्चन लीड रोल में साथ रहेंगे।